हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों जो लोग नए हो मेरे चैनल में उनको पहले ही मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी अभी सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, ऑलमोस्ट 7 वीक्स हो रहा है। और मुझे प्रीवियस वीडियोस में बहुत लोगों ने ये पूछा कि भाई आपका फर्स्ट ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था क्या, ऐसा क्या रीज़न है कि आपको सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगा, हमें भी सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकता है कि नहीं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैंने क्यों सेकेंड ट्रांसप्लांट करवाया और आपको भी ये ज़रूरत पड़ सकती है कि नहीं। दोस्तों सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट का जो पहला कारण हो सकता है वो जो मैंने फेस किया है वो है हेयर फॉल। तो मैंने फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था 2015 में, जहाँ पे मेरा इस एरिया में कवरेज दिया गया था और थोड़ा बहुत ऊपर के एरिया में माइनर है कवरेज दिया गया था। उसके बाद मुझे 6 PRPs दिए गए जो उसके पैकेज में ही इंक्लूडेड था। तो उसके बाद मुझे हेयर ग्रोथ कुछ ऐसा मिला जो मुझे काफ़ी सेटिस्फाई लगा, काफ़ी डेंस हेयर आ गए थे मुझे और मैं खुश था। एक्सेप्ट वन प्रॉब्लम कि मेरा हेयर लाइन बहुत शार्प था, कोई भी बहुत पास आएगा तो ये दिख सकता था कि मेरा हेयर लाइन कुछ नेचुरल नहीं दिख रहा है, थोड़ा अलग दिख रहा है। एनीवे फोटोग्राफ्स में या वीडियो में मुझे कोई कंप्लेन नहीं था, अच्छा आ रहा था। लेकिन उसके बाद 1-2 साल बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा जो हेयर फॉल है वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ डैंड्रफ एंड मेनी अदर थिंग्स। तो हेयर फॉल मेरा कंटिन्यू होते जा रहे थे 2017, 18, 19, 20। और ये जो हेयर फॉल है ये नेचुरल हेयर के लिए बेसिकली, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो उतना ज़्यादा फॉल नहीं होता है, बहुत माइनर फॉल मैंने नोटिस किया ड्यूरिंग दिस 5 ईयर्स, लेकिन होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं होएगा लेकिन थोड़े थोड़े होते हैं। तो उस नेचुरल हेयर फॉल की वजह से ही मेरा टॉप पोर्शन में पूरा गैप बन गया। तो मैंने सोचा कि भाई एक बार ट्रांसप्लांट करवा लिया था, उसके बाद भी मेरे कंप्लेन आ रहे हैं, अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि ऊपर के एरिया में अभी हेयर ग्रोथ के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने सारा शैम्पू ऑयल जो भी फैलाना हो सकता है वो मैंने ज़िंदगी में सब कुछ ट्राई कर लिया था, किसी से भी जो हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं हो रहा था, हेयर ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। तो अभी मेरे पास एक ही चला था, वह सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट। अभी सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम मैंने जो मेरा फ्रंट पोर्शन में जो गैप्स था वो मैंने भर दिया, जहाँ पे मेरा डेंसिटी कम था वो मैंने फिक्स किया और ऊपर के एरिया में भी मैंने कवरेज ले लिया। तो अभी मेरा एज है दोस्तों 32। तो डॉक्टर ने ये भी मुझे बताया कि अभी आपका हेयर फॉल का फेज जो है कम नहीं हुआ है, अभी और भी हेयर फॉल होना बाकी है, क्योंकि ऊपर के एरिया में मेरा नेचुरल हेयर अभी भी है जो फॉल होएगा। उनने जो ट्रांसप्लांट करवाया है वो नेचुरल हेयर में जो गैप्स है, दो हेयर के बीच में जो गैप है उधर पर डाला है, लेकिन जो नेचुरल हेयर वो भी अगर फॉल हो रहा है तो और भी गैप देखने को मिल सकता है, जो 38-39 ईयर्स में मेरे को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन मेरे पास थर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि मेरा जो डोनर एरिया है पीछे का एरिया वो 2 बार ट्रांसप्लांट के बाद वो ऑलमोस्ट हल्का हो चुका है, उसके बाद और एक बार लेंगे तो पीछे ही गाली हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट ही मेरा लास्ट हेयर ट्रांसप्लांट है, इसके आगे चलते हुए और कुछ करवाना नहीं वाला हूँ मैं। अगर 38 ईयर्स के बाद अगर बाल्डनेस आ जाए तो वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्यों करते हैं अर्ली एज में, क्योंकि हमारा जो यंग जो टाइम है, मतलब 20-35 ईयर्स, इस फेज में अगर आपको हेयर फॉल है तो आपको ज़्यादा वो फील होता है, उसके आगे चलते हुए जब एज हो जाएगा आई डोंट फील कि उतना ज़्यादा मुझे तकलीफ देगा वो चीज़। तो अभी मैंने इसलिए 32 ईयर्स में करवा लिया। तो आपको ये हो सकता है कि नहीं, अगर आपका फर्स्ट ट्रांसप्लांट आप करवा रहे हो 25 या 30 साल के आसपास, तो हाँ आपका सेकेंड ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ सकता है। अगर अभी तक आपका नेचुरल हेयर है जो फॉल हो रहे हैं तो आपको सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ सकता है। तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि सर आप जो ट्रांसप्लांट करेंगे उसके बाद मेरा नेचुरल हेयर वो अगर फॉल होता है तो उसका चांसेस कितना है, और सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट का चांसेस कितना है, आपके डॉक्टर से पहले ट्रांसप्लांट से पहले ही कंसल्ट कर लीजिए। दोस्तों अभी बात करते हैं सेकेंड रीज़न की, ये है फर्स्ट ट्रांसप्लांट का खराब रिजल्ट। अभी फर्स्ट ट्रांसप्लांट का खराब रिजल्ट कैसे हो सकता है, इसका भी 2-3 कारण है। पहला जो है, अगर डॉक्टर के हाथों कुछ गलती हो जाए कि ग्राफ्ट डालने के टाइम ग्राफ्ट में कुछ डैमेज हो जाए, वो ग्रो नहीं हो पाए, काफ़ी सारा ग्राफ्ट मान लो डैमेज हो गया, वो ग्रो नहीं हुआ, तो आपको थोड़ा गैप दिखेगा, उसको भरने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकता है, जो बहुत ही रेयर है, इतना आसानी से वो नहीं होता है, जनरली डॉक्टर लोग करते हैं, बहुत प्रिसाइसली करते हैं। और एक रीज़न है दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन है, ये है इम्प्रॉपर डेंसिटी। इम्प्रॉपर डेंसिटी क्या है कि मान लो आपका सामने के लिए यहाँ तक आपका बाल है,
ठीक है, अब यहाँ तक बाल है, इसको कवर करने के लिए, नेचुरल इसको दिखाने के लिए आपको 5000 मान लो ग्राफ चाहिए। अभी 5000 ग्राफ चाहिए और आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि आपका पीछे का जितना या साइड का जितना डोनर एरिया है, इससे वो लोग 3000 ग्राफ से पिक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पिक करेंगे तो डोनर एरिया खाली खाली दिखेगा। अभी 3000 में आपने बोला डॉक्टर को, सर 3000 की मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी जहाँ पे 5000 चाहिए वहाँ पे आप 3000 डालोगे तो क्या होगा, दोनों बालों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप दिखेगा, वो नेचुरल नहीं दिखता। दोस्तों ये गलती मत करना, मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूँ, क्योंकि इतना खर्चा करने के बाद आपका अगर लुक नेचुरल ना लगे, कोई भी देख के आपको ये पूछे कि आपने विग लगाया है, कि आपने कुछ करवाया है क्या बाल पे, तो इतना खर्चा करने का, इतना मेहनत करने का, इतना स्ट्रेस लेने का क्या मतलब है। जितना हो सके नेचुरल लुक लाओ। मतलब मान लो डॉक्टर ने बोला 3000 ग्राम आपको मैं पिक कर सकता हूँ, तो उनको पूछो सर इसको नेचुरल डेंसिटी देने के लिए, ये 3000 ग्राफ से मुझे नेचुरल डेंसिटी अगर चाहिए तो मैं कितना तक मुझे कवरेज मिल सकता है। तो डॉक्टर ने मान लो बोला कि आपका यहाँ से लेके मैं यहाँ तक कवर कर पाऊँगा, सामने का पोर्शन जिसके लिए और 2000 चाहिए वो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। तो आप बोलो कि सर मुझे उतना ही कर दो जितना मुझे नेचुरल डेंसिटी चाहिए, इतना कवर हो जाए तब भी आपका लुक्स में काफ़ी सुधार आ जाता है। तो लेकिन वो नेचुरल होता है तो आपको कोई कंप्लेन नहीं रहता है, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको लुक नेचुरल नहीं आएगा, आपका कंप्लेन रहेगा और आप हमेशा अनकंफर्टेबल फील करोगे बाहर जाने के टाइम। तो जितना हो सके कोशिश करो कि डेंसिटी आपको अच्छा मिले, ग्राफ्स, नंबर ऑफ ग्राफ्स, एरिया इतना मैटर नहीं करता, डेंसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डेंसिटी अगर अच्छा डॉक्टर दे पाए तो जितना ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसमें आपको कोई कंप्लेन या कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो पहले प्रिपेयर रहें कि मुझे सेकंड टाइम करने की ज़रूरत है कि नहीं, आपका कितना एज है, डॉक्टर से पूरा डिस्कस कर लीजिए कि आपका नेचुरल हेयर फॉल और कितना दिन हो सकता है, ये वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन पूरा ले लीजिए। और भी कुछ क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसके आंसर देने के लिए। और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए अगर अभी तक किया नहीं है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी हेयर।